हेलो गाइस, आज हम क्लास 11 से चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। तो देखो स्टूडेंट, हमने जूनियर क्लासों में इक्वेशन के बारे में समझा था। इक्वेशन क्या था? अगर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल का सिंबल आता है तो उसको हम बोलते थे इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहां दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का सिंबल आ रहा है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स प्लस वाई की इज इक्वल टू फोर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फिर ये लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है? इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है कि यहां इक्वल का सिंबल नहीं आया। ओके स्टूडेंट, तो इनइक्वालिटीज क्या है? अगर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अगर इस प्रकार का सिंबल आए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल ग्रेटर देन या फिर लेस देन, greater than equals to comma less than equals to is called linear inequalities। okay student, तो चलो इसके कुछ example लेते हैं। x greater than equals to 1, okay, x greater than 4, ठीक है, x plus y less than 1, x plus y लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये कुछ लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशन के कुछ एग्जांपल हमने समझे। तो यहां ये जो x है ओनली फॉर एक ही वेरिएबल है तो लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इन इक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, लीनियर इन इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, लीनियर इन इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, तो लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब यह हुआ कि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अगर इस प्रकार के आपको सिंबल मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके स्टूडेंट, अब आगे हम चलते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है तो उसके सोल्व करने के कुछ रूल होते हैं, उसको समझते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर लीनियर इक्वेशन, मान लो कि x ग्रेटर देन 1 है, x क्या है? ग्रेटर देन 1 है। अगर इस इक्वेशन में मैं कोई भी नंबर ऐड करता हूं या फिर सबट्रैक्ट करता हूं तो इसके सिंबल में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैं 2 ग्रेटर देन 1 लेता हूं, इसमें आप कोई भी नंबर ऐड करो, मान लो कि मैं दोनों साइड 1 ऐड करता हूं तो 1 प्लस 2 3 होगा, 1 प्लस 1 2 होगा, तो सिंबल तो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब मान लो कि मैं दोनों साइड कोई नंबर सबट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, मान लो कि इसमें मैं 1 ही सबट्रैक्ट कर दूंगा तो 2 माइनस 1 आपका 1 होगा और 1 माइनस 1 0 होगा, अब भी इसका साइन वही रह गया। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि कोई भी लीनियर इन इक्वेशन में आप कोई नंबर सबट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर उसमें ऐड कर रहे हैं तो उसका सिंबल चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है कि कोई भी लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप माइनस का अगर डिवाइड करते हैं या फिर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज होगा, रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ग्रेटर देन 1, अगर मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x नेगेटिव होगा और ये भी आपका नेगेटिव होगा, बट ये जो साइन है वो चेंज होगा। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि किसी भी लीनियर इनइक्वेशन में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर माइनस से डिवाइड करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जो ग्रेटर देन है वो साइन किस में चेंज होगा? लेस देन। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो वो लेस देन इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा, या फिर अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज होगा, या फिर वो लेस देन इक्वल्स टू है तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा।
तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सोल्व करने के दो रूल थे, उसको हमने समझा। अब हम समझते हैं एक्सरसाइज 6.1। यस स्टूडेंट, अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सोल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज नेचुरल नंबर, x इज इंटीजर नंबर। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। गिवन इनइक्वालिटीज है 24x लेस देन 100। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 24 का डिवाइड करेंगे, x लेस देन 100 अपॉन 24। अब ये 4 से 25 टाइम और ये 6 टाइम, x लेस देन 25 अपॉन 6। ओके, इसको सोल्व किया तब अपने पास आ गया x लेस देन 25 अपॉन 6। अब आपको बोला है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, जब इस x की वैल्यू क्या है नेचुरल नंबर, इस x की वैल्यू क्या है इंटीजर नंबर। तो फर्स्ट पोर्शन का सोल्यूशन देखते हैं। जब ये x इंटीजर होगा, सॉरी नेचुरल नंबर होगा, तो x कहां तक बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3 4। अब देखो 25 में 6 का डिवाइड देंगे तो 4. अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आएगी, बट हमें इंटीजर से मतलब है तो x की वैल्यू आएगी 1 2 3 4। तो ये पहले का सोल्यूशन होगा। अब आपको बता दें कि जब ये x है वो इंटीजर होगा, उस केस में इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आपको पता है कि नंबर लाइन पे इस साइड तो प्लस इंफिनिटी, इस साइड माइनस इंफिनिटी, 0 1 2 3 4 5 और डैश डैश, -1 -2 -3 और इंफिनिटी तक। तो इस केस में x क्या है आपका, इंटीजर। जब x इंटीजर होगा तो x की वैल्यू 4.167 से क्या होगी, लेस देन। इसका मतलब यहां x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, x की वैल्यू यहां से 4 से, क्योंकि 4 पॉइंट में तो इंटीजर हो ही नहीं सकता, तो इस साइड तो होगा 4, ओके, फिर 3, फिर 2, 1, 0, माइनस 1 और यहां डैश डैश, पीछे तक इसका सोल्यूशन होगा। तो जब x की वैल्यू इंटीजर होगी तब आप बोल सकते हैं कि x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर 4 तक लाइक करेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। यस स्टूडेंट, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सोल्व -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज नेचुरल नंबर, x इज इंटीजर। ओके, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। गिवन इनइक्वालिटीज है -12x ग्रेटर देन 30, दोनों साइड -12 का डिवाइड करेंगे। तो x देखो माइनस का डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होगा, यह आ जाएगा -30/12, 6 से कैंसिल हो गया, x लेस देन -5/2, 5/2 का मतलब क्या हुआ, x -2.5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x लेस देन -2.5। अब आपको इसका सोल्यूशन बताना, जब x क्या हो, नेचुरल नंबर। तो देखो x जब नेचुरल नंबर होता है तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और यहां क्या आ रही है, x की वैल्यू यहां नेगेटिव आ रही है, तो यहां कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, देर आर नो सोल्यूशन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, चलो अब देखते हैं इसका सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन में x क्या है, इंटीजर। तो आपको पता है नंबर लाइन के इस साइड तो प्लस इंफिनिटी, इस साइड माइनस इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 0 1 2 और डैश डैश, -1 -2 -3 -4 -5 और इंफिनिटी। तो जब x की वैल्यू आप इंटीजर लेंगे उस केस में इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन इस साइड से देखो, x लेस देन है -2.5 से, तो इसका मतलब -3, इस साइड तो लास्ट वैल्यू होगी -3, फिर -4 और डैश डैश। ओके, तो जब x नेचुरल नंबर था तब इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, जब x इंटीजर था तब इसका सोल्यूशन हुआ -3 -4 और इंफिनिटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। यस, देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। सो 5x-3 लेस देन 7 व्हेन x इज एन इंटीजर नंबर, x इज रियल नंबर। तो चलो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन इनइक्वालिटीज है
5x माइनस 3 लेस देन सेम। अब स्टूडेंट अगर इस माइनस 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ओके। तो 5x इधर आके प्लस का बनेगा, तो 7 और 3 क्या बन गया, 10 हो गया, ये 5 से कैंसिल हो गया, x लेस देन 2, ओके। यानी कि इस इनइक्वालिटीज को सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई लेस देन 2। अब इसका सॉल्यूशन बताना है, जब x क्या हो, x इज एन इंटीजर। अब आपको पता है कि x की वैल्यू लेस देन 2 है, 2 तो नहीं ना, तो 2 से जो भी छोटी वैल्यू है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू, आप बोल सकते हैं डैश डैश 0 1, ओके, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पोर्शन में आपको क्या बोला कि x क्या है, रियल नंबर, यानी कि x जब रियल नंबर होता है तो इस साइड तो प्लस इंफिनिटी, इस साइड माइनस इंफिनिटी, x लेस देन 2 है तो 0 1 और 2, 2 से लेस देन जितनी भी वैल्यू आएगी वो सब इसका सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो x कहां तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 2। अब देखो यहां ओपन इंटरवल लगाया है तो 2 यहां इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन होगा माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक ओपन इंटरवल, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हैड कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो 3x plus 8 greater than 2 when x is an integer, x is real number। तो इसको सॉल्व करते हैं, गिवन इनइक्वालिटीज है 3x plus 8 greater than 2। अब इस 8 को इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का होगा, 3x greater than 2 minus 8, तो 3x greater than minus 6, 3 का डिवाइड 2 हुआ तो x greater than minus 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 से बड़ी आ गई। अब आपको इसका सॉल्यूशन बताना, जब ये x क्या हो, इंटीजर, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, x greater than 2। अब 2 से greater than इंटीजर क्या होगा, आपको पता है माइनस 1, 0, 1, 2, 3 और डैश डैश। तो इसका सॉल्यूशन ये बनेगा जब x क्या हो, आपका इंटीजर हो। अब आपको बताना है कि x जब क्या हो, रियल नंबर हो, तो जब x रियल नंबर होगा, सेकंड पोर्शन आपको पता है कि इस साइड तो माइनस इंफिनिटी, इस साइड प्लस इंफिनिटी, 0 और ये हो गया माइनस 2 और माइनस 1, 1 2 3, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन माइनस 2, 2 तो नहीं ना, 2 से ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यू आएगी वो इसका सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। तो x बिलोंग करेगा माइनस 2 से इंफिनिटी तक, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सोल्व करना है, तो गिवन इनइक्वालिटीज है 4x plus 3 लेस देन 5x plus 7। अब हम 5x को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका बन जाएगा, माइनस का, 4x minus 5x, 3 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, 7 minus 3, 4x minus 5 का मतलब x नेगेटिव हो गया यहां, लेस देन 4। अब x को पॉजिटिव बनाने के लिए हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा x, साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन माइनस 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x ग्रेटर देन माइनस 4, दैट मींस x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस 4 से इंफिनिटी तक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। 7 में है 3x minus 7 greater than 5x minus 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 3x इस 5x को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का बनेगा, greater than इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, 3x minus 5x minus का 2x और ये आ जाएगा आपका 6x। अब हम दोनों साइड माइनस 2 का डिवाइड करेंगे, जब माइनस का डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होगा, x लेस देन माइनस 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन माइनस 3, 3 से छोटी, तो x कहां तक लाई करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3x 3 टाइम x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 टाइम x माइनस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हो जाएगा 3x minus 3 less than equals to
2 के साथ करेंगे 2x माइनस 6। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का बनेगा 3x माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू, ये प्लस का बन जाएगा तो माइनस 6 प्लस 3, यहां रह गया x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3, दैट मींस इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस साइड तो माइनस इंफिनिटी और माइनस 3, यहां 3 क्या है इंक्लूड है क्योंकि इक्वल्स टू का सिंबल आया है, तो x की वैल्यू होगी माइनस इंफिनिटी से माइनस 3, जिसमें 3 क्या है इंक्लूड था और इसमें क्या है माइनस 3 क्या है एक्सक्लूड है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 टाइम 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम 1 माइनस एक्स, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू जा 6 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 2x। अब इस माइनस 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का बनेगा माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इस 6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 6 होगा। अब यहां क्या बच गया माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां बच गया माइनस का 4। अब इसमें दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो x लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि x की वैल्यू क्या दी लेस देन इक्वल्स टू 4, दैट मींस x कहां तक लाइक करेगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवेल माइनस इंफिनिटी टू प्लस 4। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री लेस देन 11, इस साइड का हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 6, ये बन जाएगा आपका 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11। अब ये 6 डिवाइड में था, इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 11x लेस देन 66, 11 से कैंसिल हो गया 6 टाइम x लेस देन 6, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 6, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 6, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं, x बाई 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1, तो सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन का एलसीएम लेते हैं, x by 3 greater than इसका एलसीएम क्या आएगा 2, तो ये जाएगा x plus 2। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा 2x, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई 3x plus 6। अब 3x को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का आएगा 2x minus 3x greater than 6, यहां माइनस का x आ गया तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 6, एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो साइन चेंज होगा एक्स लेस देन माइनस 6, इसका मतलब एक्स की वैल्यू होगी लेस देन माइनस 6, तो इसका सॉल्यूशन होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6, 6 इसमें एक्सक्लूड है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके स्टूडेंट, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9 इंटू एक्स माइनस 2, ये इसके साथ लेस देन इक्वल्स टू 25 इंटू 2 माइनस एक्स, ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल्स टू 50 माइनस 25x। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का आएगा 9x plus 25x less than equals to 50 plus 18, क्योंकि इसको रिसीव करेंगे प्लस का होगा, यह आ जाएगा 34x less than 68, ये आपका 2 टाइम कैंसिल, x less than equals to 2, तो x की वैल्यू क्या होगी less than equals to 2, that means x belongs to minus infinity to 2, जिसमें 2 क्या है इंक्लूड है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं,
1 by 2 of 3x upon 5 plus 4 greater than equals to 1 by 3 into x minus 6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोर्शन का एलसीएम लेते हैं 1 by 2 इसका एलसीएम आएगा 5 3x plus 5 for जा 20 greater than equals to 1 by 3 x minus 6. अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x plus 20 upon 10 greater than equals to 1 by 3 into x minus 6. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9x plus 60 greater than equals to ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10x minus 60. इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 9x minus 10x greater than equals to ये हो जाएगा आपका माइनस का 120. ओके यहां बच जाएगा माइनस का x greater than equals to minus 120. ओके दोनों साइड माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x less than equals to 120. यानी कि x की वैल्यू less than equals to 120 तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा x belongs to minus infinity to 120 जो कि 120 का इसमें इंक्लूड है. चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13. इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4x plus 6 minus 10 less than 6x minus 12. हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इसको 6 के साथ. अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 4x minus 6x यहां माइनस का 4 हो गया इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस का बन जाएगा तो माइनस 12 प्लस 4 कितना लगेगा यहां माइनस का 2x less than minus 8. अब माइनस 2 का डिवाइड करेंगे तो x greater than 4 यानी कि x की वैल्यू greater than 4 आ गई तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा x belongs to 4, infinity. ओके स्टूडेंट तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 and 13 complete.